पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से सोमवार को सिविल लाइन स्थित शहनाई मंडप में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर फूलों की होली खेली गई, साथ ही गीतों से सभी का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम का आरंभ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर सुभेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल ने बताया कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले शिक्षक, निर्यातक, डॉक्टर और अन्य प्रबुद्ध लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आशु महेंद्रू, विशाल अग्रवाल, डॉक्टर लता चंद्रा, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर सौरभ, विवेक ठाकुर, प्रेमवती उपाध्याय, डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, विनीता मेहरोत्रा, नजमुल इस्लाम आदि लोग उपस्थित भी रहे। प्रयास किया और प्रयास में सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और यहां के व्यापारी, चाहे महिला विंग हो, चाहे युवा विंग हो, चाहे मां शक्ति हो, उन लोगों ने आके इस आयोजन को सफल बनाया। प्रशासनिक आना तो चाहता था, लेकिन आपको भी पता है कि एक शहर में एक वारदात हो गई जिसकी वजह से प्रशासन फंसा हुआ था और कल की जो होली में लोग कुछ अधिकारी भी उसमें भी मंग थे तो वो अपने परिवार का समय नहीं दे पा रहे थे। एक आपको पता ही है 25 तारीख को शपथ ग्रहण प्रोग्राम है, उसमें भी अधिकारी लगे हुए हैं, वो भी मीटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सब मिलाकर ये है कि व्यापार मंडल की तरफ से जो प्रयास था वो सफल है। मैं धन्यवाद दिल से करता हूँ हमारे प्रदेश संयोजक विशाल जी, हमारे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहगल साहब का, हमारे सभी साथियों का जिन्होंने इतना बढ़िया माहौल बनाया और लोगों ने उसका आनंद लिया। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ गोस्वामी जी का, जो उन्होंने भजन संध्या करके लोगों को मनमुग्ध कर दिया, ऐसे कर दिया कि मथुरा में हम लोग बाकी में मथुरा में आ गए हैं। और मैं तो बाकी बिहारी का भक्त हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गोविंद जी का प्रोग्राम अवश्य व्यापार मंडल के माध्यम से फिर दोबारा कराऊँगा और उसमें हम लोग खुलकर भजन संध्या सुनेंगे।
इस दौरान सभी का बारी बारी से सम्मान किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। तो वहीं होली के अवसर पर एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी गयी। सभी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक बहुत अच्छा कार्य है जो संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाने का काम किया गया है। आज संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर के अंडर में एक होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शहर में अपना योगदान दिया है, कोविड काल में योगदान दिया है। हमारा ये फर्ज बनता है कि उन सभी लोगों का सम्मान करें और उन्हें धन्यवाद दें। इसके साथ साथ आज हमने होली के उपलक्ष्य में एक भजन संध्या का भी आयोजन करा गया, जिसमें सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय करा और मैं सभी को आने वाले कार्यक्रमों के लिए, सबके आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। होली के इस आयोजन में सबके आने से, इस कार्यक्रम को सफल होने में मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। हमारा ये संयुक्त व्यापार मंडल का गठन का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं व्यवस्थाएं जो स्थिति में जो आ रही हैं व्यापारियों के लिए, तो उन व्यापारियों की सब स्कीमों को व्यापारियों तक पहुंचाना, अधिकारियों से मशवरा करकर अधिकारियों के माध्यम से जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम अपनी क्या क्या स्कीमें उत्तर प्रदेश शासन ने दी हैं और उससे कैसे फायदा पहुंचे व्यापारियों को, जैसे मीटिंग में बहुत सारी स्कीम आई, उद्योगपतियों की मीटिंग में हमारे अध्यक्ष कई बार उद्योगपतियों की मीटिंग कमिश्नर साहब लेते हैं, डीएम साहब भी लेते हैं, उद्योगी श्रम कार्ड की हमारे में व्यवस्था आई, हमारे बीच में हमारे मेहमान मंत्री भी बैठे हैं, इन्होंने बहुत काम करा उसके ऊपर ई श्रम कार्ड के ऊपर, और हजारों का लाखों की सरकार में मुरादाबाद के लिए सब कार्ड बनाने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।